ओम शांति, बोलिए ओम शांति। कॉन्शियस में रहो कि हम बच्चे किसके हैं। रॉयल बाप के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। और कर क्या रहे हैं यहाँ पर इस धरती पे आके? ना मकान बनाने है, ना दुकान बनाने है, ना घर, ना बाल स्टेज है। ये घर नहीं, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर मेरा, ना घर तेरा है। कि मेरा घर ही नहीं है, ऐसे स्टेज पर है तो स्टेज पर एक्टर पार्ट कैसा बजाएगा? कैसा बजाएगा? खराब खराब बजाते ही कट कट हो जाता है। शूटिंग में गई थी बॉम्बे में देखने के लिए, फिल्म सिटी में, तो बहुत सारी शूटिंग चल रही थी क्योंकि एक्टर्स बहुत लोग ज्ञान में बाबा के आ गए ना, तो बॉम्बे में आते बोरेवली में, तो एक्टर्स हम लोग को लेके गए थे। तो मैं देख रही थी, इतनी शूटिंग चल रही थी, एक सेकंड में कट कट कट, डायरेक्टर कट कट कर रहा था, फिर दोबारा से वो शूटिंग फिर स्टार्ट हो गई। तो जो भी हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, रोल हमारा है, हम स्टेज पर है, ये पार्ट बजा रहे हैं, तो क्या वो हमारा कट कट हो रहा है या शूटिंग हो रही है? ऐसा रोल है हमारा, क्योंकि सारा जो भी चल रहा है यहाँ पर सृष्टि पर, यहाँ कर्म की खेती होती है। ये खेती आपने कभी सुनी नहीं होगी, कर्मों की खेती होती। अभी गुजरात गई थी ना, तो गुजरात में कहा यहाँ नमक की खेती होती है। वंडर, जो पहली बार जाएगा और उसको कहा जाएगा नमक की खेती होती है। तो मैंने कहा भाई गाड़ी रोकी, नमक की खेती दिखाने ले गए भाई लोग, माउंट आबू के भाई हम लोग को घुमाने ले गए थे, पूरा गुजरात घुमाया। तो उतारा, जब मैं गई ना, तो पूरे वो जैसे ना खेती में बीच में मेड़ बना देते हैं ना, उन मेड़ों में उसका वहाँ समुद्र है ना, समुद्र का पानी भरा हुआ है। और समुद्र का पानी जब सूख जाता है तो वो नमक बन जाता है। फिर नमक की फैक्ट्रियाँ भी पास पास में, उसको रिफाइन कर करा करके, जो भी उसमें सोडियम जो भी डालते हैं, डाल डूल करके नमक बनाते हैं, ट्रकों ट्रक वहाँ से सप्लाई होता है पूरे भारत में, तो होता ही सप्लाई। तो भाई नमक की खेती होती है, किसने देखा नमक की खेती? जो जहाँ भी समुद्र है ना वहाँ होती है। फिर जब मैं अंडमान में गई तो कहाँ, यहाँ पर उसकी खेती होती है, किसकी? हीरे पन्ने मोती की खेती होती है। मैंने कहा उस पर, फिर हम लोग बोट थी, उसके बाद एक दूसरी बोट की, वो हम लोग को मुँह में ढक देते हैं, ढकने के बाद फिर नीचे उतार देते हैं, कपड़ा ढका होता है, तो नीचे सारे पानी के नीचे ना पन्ना हीरा मोती, उसी को नेचुरल और रियल मानते हैं, तो वहाँ खेती होती है। तो मैंने देखा इतने पन्ने हरे हरे चमक रहे हैं, इतने मोती प्यारे प्यारे, उसकी खेती होती है। तो वहाँ इन सब चीज़ की खेती होती है अंडमान वगैरह में, सच्चे रियल मोती वगैरह, पन्ने वगैरह, हीरे वगैरह। ऐसे ही इस सृष्टि रंगमंच पर कौन सी खेती होती है? कर्मों की खेती होती है। जैसा कर्म का बीज बोते हैं वैसा ही मुझे काटना पड़ता है। कहते बोलो, बोलो मींस मुख से जो किया, हमने गालियां निकाली मुख से, बीज बो दिया, अभी वही तो फल काटना पड़ेगा ना हमको, वही फल काटना पड़ेगा कि कोई दूसरा फल काटेंगे? आज जो कुछ भी रिटर्न में हमको कुछ भी मिल रहा है वो हमने बोया है। ये संगम का समय, 84 जन्मों का बीज बोने का क्या है, समय है। जैसे किसान को पूरा ज्ञान है गेहूं बोने का समय कब है, उस समय से आगे पीछे नहीं बोता, जानता है कि अभी बोएंगे तो अभी वो फसल ठीक से नहीं उगेगी। हमने बोया तो द्वापर से, एक जन्म का मिला, बीज बोया अच्छे बुरे कर्म का, लेकिन अब इसी जन्म में जो हम बो रहे हैं, जब कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, इसके बीज का पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें जो बीज बो रहे हैं ना, ये कितने जन्म पर, जैसे पंखे की गारंटी 2 साल की, चलता कितने साल है? चलता तो ये काफी समय चल जाता है ना पंखा, ऐसे भगवान ने 21 जन्म की गारंटी ली है। लेकिन ये जो बीज यहाँ पर श्रेष्ठ कर्मों का, सत कर्मों की खेती में बीज डाल रहे हैं ना, वो क्या हो रहा है? हमारा पूरा डिपेंड कितने जन्म है,
लक चौरासी भुगत के आया बड़े भाग्य मानुष तन पाया। लक मीन्स चक्कर लगाना, लक मीन्स लाक नहीं है। मनुष्य आत्मा 84 जन्मों का क्या लगाती, चक्कर। तो ये 84 जन्म डिपेंड है इस जन्म के बीज बोने का। तो बीज बोने का भी ज्ञान होना चाहिए किसानों को। हम सब किसान हैं, हमको बीज बोने का भी ज्ञान होना चाहिए। क्या बोना है जो अच्छी फसल उगे। तो बीज बोना अगर खुशी दे दी हमने किसी को, तो कौन सा बीज बो दिया, कौन सा बीज बो दिया। मेरी एक मुस्कान से इतनों की मुस्कान आ जाए, बहुत बड़ा दान है। बहुत अच्छा बीज हमने बो दिया। अब जन्म भाई जन्म को क्या मिलने वाला होगा, खुशी मिलेगी। हमने किसी का बेचैन मन, अशांत मन, डिप्रेशन मन, उसको उमंग उत्साह बढ़ा दी, उसको शांति में ला दिया, तो हमने कौन सा बीज बो दिया। ये चीजें हमको क्या होने वाली हैं, मिलने वाली हैं। अब इस पर अटेंशन रखो।